जी आज मैं पराठे की रेसिपी आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ। पराठे की रेसिपी भी जल्द ही शेयर करूँगी। ये बथुए वाले लच्छे के पराठे हैं, पर आज जो शेयर कर रही हूँ वो है ये गर्मा गर्म बथुए की कढ़ी, जो कि बहुत हेल्दी होता ही है। इसे बनाना बहुत आसान है और इसे आप अपने चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं, या फिर इसे ऐसे ही खा सकते हैं आप। तो मैंने इसे बथुए के पराठे के साथ ही बथुए की कढ़ी बनाई है, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगा। तो पराठे की रेसिपी भी मैं इसके बाद शेयर करूँगी। तो इस सीज़न में एक बार बथुए की कढ़ी मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइए। ये एक राजस्थानी रेसिपी है जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फिर देखिए, वीडियो को एंजॉय करिए आप। इसके लिए देखिए, मैंने ये ताजे बथुए ले लिए हैं, इस तरह से हाफ के जी है ये, और इसको अभी महीन महीन मुझे कट कर लेना है। इस तरह से इसे छोटे छोटे कट कर लें, मोटी डंडियाँ हटा दें इसमें से, क्योंकि वो मुँह में जाती हुई अच्छी नहीं लगती हैं, और बाकी को आप इस तरह से छोटे छोटे कट कर लें इस तरह से। ये बथुए के सारे पत्तों को इस तरह से महीन इस तरह से कट करके रख लें। और अभी ये दही मैंने लिया है, 2 कप दही है, ये थोड़ी खट्टी है। इसमें मैंने ये 5 से 6 बड़े चम्मच बेसन डाल दिए। बेसन डाल के इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है, बिल्कुल लम्प फ्री कर लेना है, इसमें कोई भी गांठें ना रहें। और अभी पानी डाल देते हैं इस तरह से। तो जैसा कि बेसन अगर 1 कप है तो 9 कप पानी लगता है, आपको पता है कि 9 गुना पानी रहता है। और अभी एक कढ़ाई में तेल ले लिया, 2 बड़े चम्मच के करीब तेल है, उसमें राई डाल दिया और ये जीरा और धनिया। अभी लहसुन और मिर्चा है, तो मिर्चे में कुछ हरी मिर्चें हैं, कुछ हरी वाली ही जो लाल हो जाती है वो वाली मिर्चें हैं, तो उन्हें डाल के मैंने इस तरह से भून लिया है, ब्राउन कर लिया है। और अभी ये प्याज है, प्याज भी महीन काट के मैंने डाला है इसमें, इसको भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है हमें, ब्राउन इस तरह से हल्का सा पिंक हो जाए इतना ही हमें भूनना है, डार्क हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और अभी जो बथुए कटे हुए रखे थे उसे डाल के और इसे भून लेते हैं। इसे खोल खोल के ही भूने, ढके नहीं, ये जल्दी से सूख जाएंगे, तो हमें बस इसको ड्राई कर लेना है। इसमें इस तरह से भूनते हुए ये ड्राई कर लेना है, तो ये 3 से 4 मिनट लगेंगे। पहले ये मॉइस्चर छोड़ता है, फिर उसके बाद ये ड्राई हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, इसमें हल्दी डाल देना है थोड़ी सी, हल्दी के साथ थोड़ा सा भून लेते हैं इसे। तो आप चाहें तो यहाँ पे ना गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमें बिना मसाले का ही बनाना था, मैंने खड़े मसाले डाल दिए थे पहले। तो अभी जो दही वाला और बेसन का ये घोल था, इसको एक बार चला के अच्छी तरह से, और फिर डाल देते हैं इसमें, चला लेते हैं। तो अभी कंटिन्यूसली इसे स्टर करना है हमें, बिल्कुल लगातार चलाते रहना है जब तक इसमें एक बॉयल ना आ जाए, इससे हमारी दही जो है कढ़ी वो फटेगी नहीं। तो अभी पानी थोड़ा सा और डाल दिया इसमें मैंने, और ये चलाते हैं। देखिए तो अभी बॉयल आ गया है, ये इस तरह से उबलने लगी है। इसके पहले हमें नमक भी नहीं डालना था, और उबलने पे ये लहसुन और मिर्ची, हरी मिर्ची है कूट के मैंने रखी थी थोड़ी मोटी मोटी, उसको डाल देते हैं, क्योंकि कढ़ी हमारी अभी बहुत देर तक पकेगी, तो साथ में ये बहुत अच्छे से पक के और इसकी जो महक आती है, खुशबू आती है, वो बहुत अच्छी लगती है कढ़ी में। तो ये डाल के इसके साथ पकाते हैं, और अभी नमक डाल देते हैं। तो ध्यान रखें, कढ़ी जब उबलने लगे नमक तभी डालें, तो इससे हमारी कढ़ी फटेगी नहीं कभी। इस तरह से चला लेते हैं, और अभी इसको आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा हो गया चलते हुए, ये मैंने 15 से 20 मिनट तक इसको पकाया है। तो ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल जो प्रॉपर चाहिए वही मिल गई हमें, तो इतना ही गाढ़ा रखना है। और अभी एक तड़का चलाते हैं, तो घी में मैंने हींग डाला है, ये जीरा डाल दिया,
और अभी इसमें थोड़े से ये करी पत्ते हैं ताजे, वो डाल दिए मैंने। करी पत्ते मुझे बहुत पसंद है इसलिए। और ये कश्मीरी मिर्च डाली है मैंने थोड़े से कलर के लिए। तो कश्मीरी मिर्च डाल के आप गैस बंद कर दें वरना जल जाएगा। इसको कढ़ी के ऊपर इस तरह से डाल देते हैं अच्छी तरह से। जिसमें तड़का जलाया था उसे भी एक बार अंदर कढ़ी ले के उसमें और उसमें डाल दिया। तो इस तरह से चलाते हुए कढ़ी को तुरंत ढक दें ताकि जो खुशबू अभी है तड़के वाली वो अंदर तक उसमें आ जाए। तो तैयार है हमारी ये बथुए की कढ़ी। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत हेल्दी होती है। इसे बथुए के लच्छे वाले पराठे के साथ ट्राई ज़रूर करिएगा जिसकी रेसिपी आने वाली है। तो फिर देखते रहिए ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। फिर मिलते हैं आपसे, बाय।